गार्डनर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ हनीफ शेख। आज कुछ स्कैम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग गूगल पे पे जैसे पेटीएम पे पैसे भेजते हैं और वो पैसे सामने वाले के पास नहीं जाते हैं, तो उससे हमको काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि सामने वाले को पैसे हम लोग ने यहाँ पर से पेमेंट किए और वो पेमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचा और सामने वाला भी हमारे बारे में कुछ अलग सोचता है। तो ऐसे ही मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी को थोड़े पैसे भेजे, कुछ 3000 रुपीज़ भेजे मैंने, और भेजने के बाद में पता चला वहाँ पर पहुँचे नहीं। गूगल पे ने सक्सेस बता दिया कि हाँ चला गया और बैंक से मैसेज भी आ गया कट गया पैसा। अब सामने वाला मेरे को कॉल करके बोलता है कि भाई पैसे नहीं पहुँचे, तो काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन उसके बाद में आप लोग इस बात को ध्यान से देखना और लोगों तक के ये मैसेज को पहुँचाना। तो उसके बाद में मैंने YouTube पे एक सर्च किया कि अगर पैसे वहाँ नहीं पहुँचे तो हमें क्या करना चाहिए। तो YouTube में मैंने देखा कि किसी ने बताया कि भाई क्रोम ब्राउज़र में जाना चाहिए, वहाँ पर कस्टमर केयर, गूगल पे कस्टमर केयर पे जाना चाहिए और उसके बाद में वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैंने वो चीज़ को देखा और मैंने कॉल लगाया वहाँ पर। कॉल लगाने के बाद में पता चला कि उन लोग ने फ़ौरन फ़ोन उठाए और बोले अभी आपको कॉल आएगा, और फटक से ने यहाँ से कॉल कट नहीं किया, दूसरा कॉल आ गया मुझे और वो मुझसे पूछता है कि आपके बैंक में अभी पैसा कितना है। मैंने उसको बोला सिर्फ 3000 अभी है और 3000 कट गया, तो बोलता 30000 आप एक काम करो, बोले आपके 4 डिजिट है ना एटीएम के वो मुझे सेंड करो और एटीएम के 12 डिजिट वो भी सेंड करो और आपका पिन नंबर क्या है। तो मैं बोला यार ये मेरा पैसा वहाँ से गया है तो गूगल पे वो देखेगा और उसके बाद में वो भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे कहता है कि भाई पिन भेजो और आपके एटीएम के नंबर भेजो। तो मैं समझ गया बाबू ये अपना बैंक खाली करने वाला है, तो ऐसे फ्रॉड में मत फंसना क्योंकि ऐसा हो रहा है कम से कम कई लोगों का। अगर मैं पिन बता देता, अगर कोई अनजान आदमी रहता तो पिन बता देता और उसके बाद में मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहा है उन लोग का कि जल्दी पिन बताओ, क्योंकि उनको मालूम है कि बैंक से पैसे गायब करना है और ज़्यादा पैसा था, इसके लिए मैंने पिन बताया नहीं। आप लोग भी पिन वगैरह ये सब चक्कर में मत जाना, आप बैंक से बात करिए जाके डायरेक्ट और किसी भी अननोन कॉल पे। लेकिन क्रोम ब्राउज़र को भी समझना मांगता कि ऐसे फ्रॉडी लोग को कैसे वहाँ पर नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का, क्योंकि इसके पहले भी किसी के साथ स्कैम हुआ था तो वो लोग ने येलो पेजेस से कुछ नंबर निकाले थे और उसके बाद में उनके साथ भी स्कैम हुआ है। ऐसा आप लोगों के साथ में ना हो मैं यही चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करो और जब भी गूगल पे से पैसे चले गए और वहाँ पर नहीं आया तो थोड़ा इंतज़ार करो, 24 आवर्स के अंदर आ जाता है, कभी एक दिन भी लग जाता है, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन आप बैंक से बात करना, लेकिन किसी कस्टमर केयर पर जाना नहीं और ना ही किसी को पिन देना, ना OTP देना। बस यही आज का टॉपिक था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।